स्ट्रीट इज न्यूज रियल टाइम। पटना के बाढ़ अनुमंडल में इन दिनों घटनाओं में जोरदार वृद्धि देखी जा रही है और इन वारदातों की जद में न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं। ऐसा ही माजरा मोकामा के मरांची थाना क्षेत्र में देखने को मिला। मरांची थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में जब एक मछली व्यापारी ने झूठी सूचना थानाध्यक्ष को दी कि उस पर हमला हो गया है, आनन फानन में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि कोई हंगामा नहीं हो रहा था। इतने में ही कुछ महिलाएं निकली और पुलिस बल पर टूट पड़ी। उसके सहयोग में पीछे से कुछ पुरुषों ने भी पुलिस के साथ मारपीट की। इस मारपीट में एक एएसआई गंभीर रूप से जख्मी हो गए और कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। घायल पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल एएसआई ने बताया कि झूठी सूचना देकर हमें वहां बुलाया गया। साजिश के तहत बुलाकर लोगों की पिटाई की गई, जिसमें 4-5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वह कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। आजकल बिहार में महिलाओं को ढाल बनाकर वारदातों और घटनाओं को अंजाम देने का ट्रेंड चल रहा है। मामले में 4 महिला और 1 पुरुष समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि कुल 20 नामजद किए गए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ब्रजकिशोर पिंकू की रिपोर्ट।